सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काका राजेश खन्ना जी के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। काका राजेश खन्ना जी का असली नाम जतिन खन्ना था और इनको लोग प्यार से काका कहते थे। इनके स्ट्रगल के टाइम इनके पास इतनी महंगी कार थी कि उस दौर में किसी एक्टर के पास इतनी महंगी कार नहीं थी, जिससे ये निर्माताओं के ऑफिस के चक्कर लगाया करते थे। इनका संघर्ष खत्म हुआ 1967 में जब इनको मूवी मिली राज। जीपी सिप्पी की ये मूवी थी और बबीता जैसी सुपरस्टार इनके साथ अपोजिट थी इस मूवी में। फिर उसके बाद 1969 में आई मूवी आराधना और इस मूवी की सफलता के बाद काका राजेश खन्ना जी को सुपरस्टार का टैग मिल गया था। और जिस तरह की लोकप्रियता मिली काका राजेश खन्ना जी को हिंदी सिनेमा में, इस तरह की लोकप्रियता आज तक किसी भी एक्टर को न मिल सकी। लड़कियां अपने खून से खत लिखा करती थीं और उनकी फोटो से शादी तक कर लेती थीं। यहाँ तक कि उनकी व्हाइट रंग की कार को लड़कियों के चूम लेने से गुलाबी हो जाया करती थी। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ काका राजेश खन्ना जी की जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय थी और मुमताज जी के साथ इन्होंने 8 सुपरहिट फिल्में दिए थे। राजेश खन्ना जी हिंदी सिनेमा में रोमांटिक अभिनेता के रूप में जाने जाते थे और निर्माता निर्देशक तो इनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे इनको साइन करने के लिए। एक बार काका जी की तबीयत अचानक बिगड़ी और इनको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा और उस समय इनके चारों तरफ निर्माताओं की भीड़ सी लग गई कि मौका मिलते ही वो अपनी फिल्म की कहानी काका राजेश खन्ना जी को सुना सकी। आनंद, सच्चा झूठा, कट्टी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आन मिलो सजना, इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के एक नए रिकॉर्ड बनाए थे। तो कहानियां भी खत्म नहीं हुई हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सितारों से जुड़े नए नए किस्से लेके।